Welcome to Yassambat Educator. एवरी वन वेलकम टू यशंभ एडुकेटर सो इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अब अबाउट द हिंदू न्यूज़ पेपर एंड इट्स ओवरऑल एनालिसिस रिगार्डिंग द ट्वेल्थ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन मध्य प्रदेश और दूसरी जो न्यूज निकल कर आती है रिगार्डिंग द क्रिप्टोकरेंसी रिगार्डिंग द नमामि गंगे प्रोग्राम उसके बारे में भी आज इस लेक्चर में जानेंगे बिफोर वी स्टार्ट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपिंग फॉर द डिफेंस एंड यू पी एस सग्जामिशन लाइक द कम्बाइंड Defence Services command Admission Test and National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Total Army, UPSC Civil Services Examination. And if you are preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batch is launched by the Yes but Educator. You can just call me nine double seven three two three zero six one nine And you can also enroll in this kind of the particular platform. And you can also follow me in Instagram, YouTube, and in the Facebook also an online platform is available over here before we uh, start this kind of the particular lecture i want to introduce myself so guys once again Jai Hind to one and all who are watching this kind of the particular video this is yes Ampad. by profession i am an engineer and by patient i'm an educator uh you can just follow me in the facebook youtube and in the instagram also okay so let us start with the first question uh, which institution manufactures the advanced light helicopter एल एच एम के थ्री स्क्वाड्रन रन एयर एट फोर जीरो अबाउट पर आप लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर मुझे comment section में बताना है गुजरात, केरला और तेलंगाना ठीक है सो यू कैन जस्ट गिव मी दिन सेक्शन विद द फर्स्ट आर्टिकल तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो कॉफी बनती है उसकी डिमांड बाहरी देशों में सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है ठीक है सो फ्रॉम द यू एस टू यूरोप वाई इंडिया कॉफी इज सडनली इन डिमांड ठीक है तो यहां पर भारत की जो दो तरीके की कॉफी मिलती है उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो कॉफीज है ठीक है ये बाहरी तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में भी चल रही है तो ऐसा क्यों है उसके बारे में सबसे पहले यहां पर जानेंगे सो so, यहां पर मैं अगर बात करूं तो इंडिया जो है टॉप कॉफ टेन कॉफीज मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर आता है जिसके अंदर थ्री थ्री परसेंट यानी कि तीन प्रतिशत ग्लोबल आउटपुट के अंदर यहाँ पर भारत का नाम आता है 2020 तक ठीक है इंडिया जो है वो दो तरीके की कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है एक तो है अरबिका एंड सेकंड वन इज़ दी रोबस्टा ठीक है अरबिका जो है हायर मार्केट वैल्यू है उसकी रोबस्टा की comparison के कंपेरिजन के हिसाब से यहाँ पर उसका रीज़न यही है कि रिगार्डिंग दी माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर ठीक है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर की वजह से अरेबिका का जो मार्केट वैल्यू है सबसे ज़्यादा है एज कंपेर टू दी रोबस्टा कॉफी ठीक है अभी यहाँ पर मैं कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानना है कि उसके क्लाइमेट किस हिसाब से होना चाहिए ठीक है यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको जोग्राफ़ी के हिसाब से ये कंटेंट आप समझ सकते हैं ठीक है सो कॉफी प्लांट्स रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर रेनफॉल होना चाहिए एक से लेकर दो सेंटीमीटर तक यहाँ पर आपको मैं दूं कि इट डज नॉट टॉलरेट द फ्रॉस्ट स्नोफॉल और हाई टेम्परेचर ठीक है अगर यहाँ पर 30 centigrade से वहाँ पर से ज़्यादा मिला, तो के जो प्लांट है, वो मुरझा जाएंगे थीके? वो चीजें टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ठीक है एंड द्रॉन्ग सनसाइन भी यहां पर नहीं कर पाते हैं टॉलरेट ठीक है ये चीज याद रखिएगा. सो जनरली यहां पर वो किस तरीके से ग्रो हो सकते हैं अंडर द्रीज इसलिए आप लोगों को ये जो कॉफीज है ठीक है ये सबसे ज्यादा तमिलना केरला के इलाके में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है कॉफी का जो लार्ज प्रोड्यूसिंग रीजन भारत के अंदर अगर माना जाता है वो सदन पोर्शन है इंडिया का ठीक है जैसे मैंने आपको कहा केरला uh, है तमिलनाडु है कर्नाटक है ठीक है सो कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया ये चीज़ याद रखिएगा सो कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया ओवर हीयर ओके आगे बात करते हैं कि भारत देश के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य जो है वो कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आता है कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये चीज याद रखिएगा और एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड जो स्टेटिस्टिक्स निकाला है उसके अंदर भारत का जो स्थान आता है भारत का जो प्लेस आता है वो एट नंबर का आता है रिगार्डिंग दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी बाय दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ओके ये चीज याद रखिएगा तो भारत का कॉफी एक्सपोर्टर के अंदर आठवें नंबर का रैंक आता है ठीक है चलो आगे बात करते हैं कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक्चुअली है तो है क्या ठीक है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर अंडर सेक्शन फोर के थ्रू इसको कंस्टिट्यूट किया गया था रिगार्डिंग दी कॉफी एक्ट 1942 और उनका फंक्शन यही है टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ़ दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है यहाँ पर इस बोर्ड के, के साथ साथ यहाँ पर थर्टी मेम्बर्स और इंक्लूड किए गए हैं रिगार्डिंग द चेयरपर्सन ऑल्सो ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा फोकस करता है एरिया रिसर्च के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर एक्सटर्न इंटरनल प्रोमोशंस कैसे करेंगे हम लोग और वेलफेयर मेजर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बोर्ड अपना कामकाज रखता है ठीक है यहाँ पर कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनका हैड क्वार्टर बेंगलुरु में आया था गाइज मैं आपको यूपीएससी की एग्जामिशन के हिसाब से बताऊँ तो जो दो तीन तरीके के बोर्ड्स है कॉफी बोर्ड है टी बोर्ड है ठीक है शुगर बोर्ड है उनके हेड क्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए क्या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि टी बोर्ड कौन से राज्य यानी कि कौन सी जगह पर आया है इंडिया के अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है उसका कॉफ़ी का जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है उनका हेडक्वाटर बेंगलुरु के अंदर है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा सो दस दिस पर्टिकुलर बोर्ड हैज़ ए सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दी बेला हूनर विच इज़ इन दी कर्नाटका ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल आप सामने आया है या आप जिस तरीके की यहाँ पर फोटो देख रहे हैं और जिस तरीके का थमने यहाँ पर आप लोगों ने देखा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइगर ने यहाँ पर अटैक किया पैंच जो टाइगर रिजर्व है रिजर्व रिजर्व है ठीक है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास आप लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है सो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्सन की यहाँ पर डेथ हुई है रि, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टाइगर अटैक ठीक है उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ठीक है एंड नेम आफ्टर दी प्रिस्टेन पेंच रिवर ठीक है वहां पर उसका लोकेशन है इस पेंच आ, टाइगर रिजर्व क्या तो ये जो आ, पेंच रिवर है उनका जो फ्लो है वो मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्क के थ्रू आता है ठीक है ड्राइविंग द रिजर्व टू इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर महाराष्ट्र एज वेल एज दी मध्य प्रदेश ठीक है जिसको हम लोग पीटीआर के नाम से जाते हैं सो पीटीआर इज पर्टिकुलर पेंच टाइगर रिजर्व ओके सो दैट इज द जॉइंट प्राइड ऑफ बोथ मध्य प्रदेश एंड दी महाराष्ट्र ऑल्सो ठीक है अब यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेटेड है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सतपुरा हिल्स जो है एंड दी सियोनी एंड दी चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये सेंचुरी सेपरेट होती है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा सो इट वॉज दी डिक्लेयरड एज अ नेशनल पार्क बाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव और उसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व को ग्रांट मिली ग्रांटेड किया गया नाइन्टीन नाइन्टी एट से लेकर नाइन्टीन नाइन्टी नाइन तक ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत सतपुरा माइकल uh, uh,

सो इट विच इज़ एम्स टू आइडेंटिफाई मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ आईबीए फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ दर्ल्ड बर्ड्स एंड एसोशिएटेड एसोसिएटेड डायवर्सिटी आल्सो ठीक है तो आईबीए उसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा आगे बात करते हैं फ्लोरा और फ़ौना के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आ, जो ग्रीन कवर से यहाँ पर ढके हुए थीक आ, स्प्रेड रिजर्वियर जो बनते हैं ठीक है उसको हम लोग फ्लोरा के नाम से जानते हैं मिक्सचर ऑफ द्रॉड लिफ टीक फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल इज ऑल्सोर सम ऑफ दैम आर यूनिक वेराइटीज ठीक है कई कई उसके अंदर इस तरीके की वेराइटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे कि श्रब्स है क्लेम्बर्स है ट्रीज है ठीक है ये यहाँ पर आप लोगों को फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है और बहुत सारी वेराइटीज भी देखने को मिल सकती है और उसके हिसाब से यहाँ पर मेडिक्लिनिकल मेडिसिनल एज़ वेल एज दी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के uh, जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है उसके बाद फ्लोरा के अंदर आपको आपको एक में चीज़ बताना और चाहूँगा रिगार्डिंग दी बाम्बू सो बाबू प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर नियर बाय वाटर बैंक्स के दौरान यहाँ पर किया जाता है ठीक है फोना की अगर मैं बात करूँ तो रिगार्डिंग दी मेमल्स ये चीज़ याद रखिएगा कि स्लोद बियर जैकल नीलगाय वाइल्ड डॉग ये सारे वहाँ के मेमल्स हैं बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैगपाई रॉबिन पिनटेल ड्रोंगो यूनिया मैना ये सारे के सारे जो है वो वहाँ के बर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं अभी यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर थमनील देखा था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ सो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अदरवाइज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं इस फोटो के अंदर कि बहुत सारे जो पर्सन हैं बहुत सारे पीपल जो है वो जब भी एनिमल वहाँ पर घुस आते हैं ठीक है तो उनको भगाने के लिए इस तरीके की हरकत की जाती है बहुत सारे मूवीज़ के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे YouTube यूट्य, यूट्यूब के वीडियोज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर पटाखे झला और बहुत सारा आवाज लगा एनिमल को उस जगह से भगाया जाता है ठीक है सो दैट इज़

दोनों के बिहेवियर के बीच में ठीक है सो प्रेजेंस और बिहेवियर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ पोजेस एक्चुअल और परसिव डायरेक्ट रिकरिंग थ्रेट्स टू ह्यूमन इंटरेस्ट और नीड्स ठीक है भाई यहाँ पर जो ह्यूमन का इंटरेस्ट है उसकी जो नीड है उसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन जो है उसके घरों में घुस गए हैं तो यहाँ पर उस दोनों उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट uh, चल रहा है ठीक है जो ऑफर लीडिंग टू डिस एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन पीपल एंड ऑल्सो ऑन वाइल्ड लाइफ ठीक है अभी यहाँ पर उसके कौन कौन से कॉजेज़ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि भाई पहले तो आता हैबिटेट लॉस ठीक है loss, उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ uh, इस तरह के कॉन्फ्लिक की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने कई प्रजातियाँ जो है लुप्त कर दी है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्नस दैट अट्रैक्ट वाइल्ड एनिमल्स टू फार्म लैंड्स यहाँ पर आ, अलग अलग तरीके के अगर आप क्रॉपिंग मैथ पैटर्न को यूज करते हैं तो वाइल्ड एनिमल जो है उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं फार्मलैंड के अंदर घुस जाते हैं ठीक है ये चीज याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया टू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स फॉर फूड एंड फूडर आफ्टर दैट यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलीगल कलेक्शंस होत, होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूसिस का ठीक है तो ये यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को ये काजेस देखने को मिल सकते हैं हैबिटेड डिग्रीडेशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ़ इनवेजिव अलाइन स्पाइसिस ठीक है तो ये सारे के सारे कोजेज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखना है कि इसको हम लोग किस तरीके से लेंगे ठीक है अगर ये सारे के सारे रीज़न हुए तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है सबसे पहले ज़िंदगी का लॉस यानी कि लॉस ऑफ लाइफ इंजरी टू बॉथ एनिमल एनिमल को भी इंजरी हो सकती है ह्यूमन को भी इंजरी हो सकती है यहाँ पर क्रॉप डैमेज हो सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड जो है डैमेज हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर वायलेंस जो है वो बढ़ सकता है अगेंस्ट द एनिमल्स ठीक है जो सही नहीं है यहाँ पर मैं एक स्टेटिस्टिक्स लेकर आया हूँ यहाँ पर आप देखें तो 2018 टू 19 की बात करूं या 2020 ट्वेंटी टू ट्वेंटी की अगर मैं बात करूं सो दो यस yes, हाँ सो so, 222 हंड्रेड ट्वेंटी टू एलिफेंट वे आर किल्ड ओवर हीयर बाई द इलेक्ट्रोक्यूजन अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंट्री ठीक है 222 सौ बाईस एलिफेंट को मारा गया दो हजार उन्नीस और इक्कीस के दौरान की मैं बात करूँ तो ट्वेंटी नाइन टाइगर वे किल्ड बाई दी पॉचिंग ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा और वन नाइन्टी सेवन टाइगर डेथ आर अंडर स्क्रूटिनी ठीक है वन नाइनटी सेवन टाइगर आर डेथ ओवर हीयर ठीक है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर एलिफेंट uh, करीब करीब तीन साल के अंदर एक हजार पांच सौ उन्नास यहाँ पर लोगों को मार गिराया है ठीक है 19 2019-20 की बात करूँ तो यहाँ पर 585 लोगों को और फो फोर ह्यूमन जो है 2020 से लेकर 2021 को यहाँ पर मार गिराया है एलिफेंट ने और 2021 से लेकर 22 की अभी तक मैं बात करूँ तो 533 ठीक है फाइव डबल थ्री थ्री फाइव थ्री थ्री ये जो आंकड़ा है आपके सामने निकल कर आता है ठीक है जहाँ पर ह्यूमन कैजल्टीज़ देखने को मिल सकती है ठीक है उसके बाद यहां पर मैं बात करूं कि टाइगर किल्ड 125 इन द रिजर्व किल्डी वन टू हजार उन्नीस से लेकर दो तक ठीक है यहां पर एक सौ को मारा गया था टाइगर के थ्रू तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है सो महाराष्ट्र अकाउंटेड आर नियरली हाफ दिस पर्टिकुलर डेथ एट सिक्सटी वन ओके चलिए आगे बात करते हैं Uh, हमें क्या क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें एक एडवाइजरी uh, चीज़ बिठानी चाहिए रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ़ द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है इसको इश्यू कर दिया गया है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एंड स्टैंडिंग कमेटी किसकी थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा उसके बाद हमें uh, ग्राम पंचायत को एम्पावर करना चाहिए रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू के तहत ठीक है कि यहाँ पर हमें uh, पंचायत जो है उसको डील है प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल्स के साथ ठीक है उसके बाद इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए एंड जो है यहां पर मिल सके फॉरेस्ट एरिया के अंदर और साथ ही साथ प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो भी देखने को मिले ठीक है जैसे कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज है या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं क्रिएशन ऑफ बेरियर्स है डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम्स हैं ये सारे के सारे यहां पर मेजर्स होने चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन, ओके। okay. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रोवाइड इंस्टेंट रिलीफ वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंट रिलीफ तो यहां पर पेमेंट की बात हो रही है ठीक है सो पेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ एक्स ग्रेटिया एज uh, इंट्रीम relief within uh, 24 ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसीडेंट टू दिक्टीम और द फैमिली ओके ये चीज़ याद रखेगा आगे बात करते हैं यहाँ पर इस मैप के बारे में तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं जिसके अंदर ये जो येल्लो uh, पोर्शन देखने को मिल सकता है सो दैट इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पिंच टाइगर रिजर्व ओके जो मध्य प्रदेश के अंदर है यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं गाइज़ वेन हेवर यू प्रिपेयर फॉर दिस काफ़ दर्टिकुलर एग्जामिनेशन तो यहाँ पर आप मैप साथ में रखें और मैप साथ में रखते रखते ही सारी सारी चीज़ें जो है पढ़िए ठीक है आगे बात करते हैं एंड गाइस आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल यहाँ पर आप आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं सो हाउ आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर मोटिवेशन फ्रॉम दिस वन ओके ये चीज़ याद रखिएगा सो so यहाँ पर आप अगर नए मेंबर है नए फैमिली मेंबर है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यश सम्पर एडुकेटेड सो गाइज यहाँ पर यूट्यूब पर जाइए और यश सम्पर एडुकेटेड जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर Yes, this one. क्रिप्टो रेगुलेशन की फोकस एरिया एस जी ट्वेंटी फाइनेंस स्टॉक्स बिग इन तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जी ट्वेंटी की जो मीटिंग है वो बहुत सारी जगह पर होने वाली है ये चीज़ याद रखिएगा सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विद आर बी आई गवर्नर शक्ति रा शक्तिनाथ दास ये चीज़ याद रखिएगा uh, उनके नाम याद रखिएगा ठीक है सो नियरली फोर्टी मीटिंग्स हाउ बिन प्लान अक्रॉस दिस पर्टिकुलर इंड कंट्री एड सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टू द ग्लोबल इकोनॉमिक डिसकोर्स रिगार्डिंग द निर्मला सीतारमन एंड शक्तिकांता दास टू स्टीर ओवरऑल फाइनेंस ट्रैक ओके ये चीज याद रखेगा तो यहां पर क्रिप्टो के बारे में बातचीत की गई है कि यहां पर कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है हम उसको यहां पर चैनलाइज uh, करने की कोशिश करेंगे सो अकॉर्डिंग टू अप्रोच द रेगुलेटिंग क्रिप्टो मैनेजिंग डेप्टेल्यूएबिलिटीज एंड री ऑरियंटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल फोकस एरियाज ऑफ द फाइनेंस ट्रैक एजेंडा फॉर इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसीज विच विल किक ऑफ़ विथ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है सो उसके रिगार्डिंग हम लोग चलिए जानते हैं सो ये है क्रिप्टो करेंसी आगे बात करते हैं कि पहले क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है तो है क्या तो दैट इज नथिंग बट दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली इन ब्लॉक चेन यूजिंग द इनक्रिप्शन टेक्निक टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंडस बिटकॉइन इज द बेस्ट यगजाम्पल तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये एक एक्सचेंज uh, कर सकते हैं उससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उससे हम लोग स्टोर कर सकते हैं है, पर क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर कर सकते हैं तरीके की ब्लॉकचेन को जो यहां पर एक मॉनेटरी यूनिट के तौर पर सामने आता है ठीक है और यहां पर उससे आप फंड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं बीटकॉइन जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल देख, देखने को मिल सकता है सो हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू इन दैट इट इज़ नॉट रिडिमबेबल फॉर अनदर कमोडिटी सच एज गोल्ड ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा आगे बात करते हैं कि आ, हमारे अभी त, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने अभी ही मीटिंग के दौरान ये चीज के बारे में बात की गई थी मैनेजमेंट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर ठीक है जहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जो है अनरेगुलेटेड है अभी तक तो उसको रेगुलेट करने की यहाँ पर बातचीत की गई है सो ही कोल्ड फॉर टेकिंग प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स द क्रिप्टो मार्केट ओके अगर उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया के अंदर नो लेजिस्लेचर no के तौर पर देखने को मिल सकती है अभी तक तो ठीक है सो इन इंडिया ओनिंग क्रिप्टो करेंसी स्टिल नो नॉट इ ओवर हीयर ओके सो ट्वेंटी के अंदर अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूँ सो ट्वेंटी के सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो स्ट्रक डाउन बैन ऑन ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि ये हम इसको मा, मान्यता नहीं दे सकते हैं ठीक है उसके बारे में सारी की सारी बातचीत की गई है चाइना हैज डिक्लेयर दिस काइंड ऑफ दर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस आर इलीगल ठीक है तो अगर कोई भी चाइना में क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर चीजों की लेन देन करता है तो ये लीगल माना जाएगा यह चीज़ याद रखना है ठीक है सो इफेक्टिवली एम्पोजिंग अ कंप्लीट बैन वेरज ई आई सेल्वेटर हैज़ परमिटेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर ओवर हीयर ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा आगे बात करते हैं कि उसके बेनिफिट क्या है क्रिप्टो करेंसी के अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी हम लोग एसोशिएट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप चीज़ ये समझ लीजिए कि फास्ट और चीप ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो है अच्छी तरीके से हो सकते हैं और एंटीशन इन्फ्लेशनरी करेंसी जो है आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती सकती है इज क्लियर तो आई होप सो आप लोगों को ये बेनिफिट जो है अच्छी तरीके से समझ में आए हैं आगे बात करते हैं कि एसोसिएटेड कंसर्न क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या चीजें आती है जैसे कि बम्बारमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पर ये यह चीज़ आपको पता होगी काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी जो है वो भी आप लोगों को पता होगा उसके बाद द क्रिप्टो करेंसीज आर एक्सट्रीमली ठीक है जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन स्काई रॉकेट जो है वो चालीस हज़ार के आसपास से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो ऑल टाइम हाई हुआ है सिक्सटी फाइव थाउजेंड के करीब करीब जैन टू लेक, से लेकर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के दौरान ठीक है तो दैट इज़ अबाउट द एसोसिएटेड कंसर्न विद द क्रिप्टो करेंसी में ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टॉक मार्केट इश्यूज़ है ये सारे के सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है ठीक है आगे बात करते हैं कि अगर हमें कुछ करना है इसके रिगार्डिंग तो क्या क्या कर सकते हैं सो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ओके इंडिया इज़ येट टू एबल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल टू थाउजेंड टू जीरो टू वन ओके ये चीज़ याद रखेगा तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं उसके बाद लेजिसलेटिव फ्रेमवर्क होने के बाद यहाँ पर ग्लोबल कॉरपोरेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिप्टो करेंसी विल रिक्वायर द्लोबल पार्टनरशिप एंड द कलेक्टिव स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया ओके तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है आगे बात करते हैं नेक्स्ट uh, आर्टिकल के बारे में उससे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा अगर आर्टिकल है तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आ जाइए यस दिस वन ऑन अमेंडिंग द कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ठीक है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे स्टोरी एक्चुअली देख लेते हैं क्या है सो द बिल टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू जीरो टू वॉज इंट्रोड्यूज इन द लोकसभा ऑन सेवन दिसंबर ऑप्शन पार्टी

कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट द इफ को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉपोरेशन लिमिटेड ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा उसके बाद आता है अमूल इजी इजी क्लियर चलिए आगे बात करते हैं एम एस सी एस एक्ट 2002 के बारे में ठीक है ये एक्ट जो है वो क्या कहता है सो so, यहाँ पर शुगर मिल्क बैंक आ, या मिल्क ठीक है ये सभी की यहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो अगर यहाँ पर कोई आ, मिल्क बेचने वाले भाई साहब है अगर वो आ, एक पर्टिकुलर जगह पर बेचते हैं तो उसको कम मुनाफा हो सकता है पर अगर वो कैन लेकर निकलते हैं तो जैसे ही एक बार निकले तो सबको देखे जाए तो वो सारे की सारी चीज़ें जो है वो फ़र्क पड़ जाती है ठीक है सो दैट इज़ अबाउट मल्टी स्टेट सो सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल की मोस्ट सुगर मिल्स कर्नाटक्यन फ्रॉम बोथ स्टेट पर एम एस सी एस एक्ट जो पास होता है सो दैट इज गवन सच एस कॉपरेटिव ओवर हीयर ओके ये चीज याद रखिएगा आगे बात करते हैं लीगल जोरिस्टिक्शन के बारे में सो धेर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेटरेट इन ओवर यर ओके इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ़ दिस सोसाइटीज इज़ विद दी सेंट्रल रजिस्टर विद लो मेकिंग इट क्लियर दैट नो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन वाइल्ड एनी कंट्रोल ऑन दैम ठीक है सो दैट इज अबाउट दी लीगल जरिस्डिक्शन ओवर हीयर ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है दोस्तों काफी तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है यहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में रिलेशन की यहाँ पर बातचीत हो रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एफ़ ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में तो यहाँ पर इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो इट स्टैंड फॉर दी एफ टी है सो एफ टी एक्चुअली है तो है क्या सो दैट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है सो इट इज़ अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस दैरियर्स टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमोंग दम ठीक है जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है तो यहाँ पर उसका कैटेगराइजेशन होता है जैसे कि हाँ फरनेशियल ट्रेड एग्रीमेंट पी टी ए या uh, तो लिटल गर तो कोटास uh, होता है या तो कोटा नहीं होता है ठीक तो है, तो है uh, आप लोगों को मतलब कुछ पैसा नहीं पे करना होता है सब्सिडीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है उसके बाद यहां पर आपको प्रोहिबिशन जो है सारे सारे मिल सकते हैं सो दैट इज़ अबाउट दी बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एफ ओके। आगे बात करते हैं कि भारत और इंडिया सॉरी भारत और यूनाइटेड किंगडम जो एफ के बीच में जो एफ हुआ है उसमें यहाँ पर यू अभी कहाँ पर स्टेक, स्टेंड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखा जाए तो आ, नियरली यू के की 600 कंपनी जो है उन्होंने इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट uh, देकर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एम्प्लॉइंग मोर देन थ्री थाउजेंड थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड पीपल ओवर हीयर ठीक है तो दे आर नियरली सिक्स हंड्रेड यू के कंपनीज़ इन इंडिया एम्प्लॉइंग मोर देन थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड पीपल ओवर हीयर तो यहाँ पर अगर मैं uh, आत्मनिर्भर भारत की बात करूँ तो दे एक्सपोर्टेड टू दोवर वन वन जीरो कंट्रीज़ एकरोस दिस पर्टिकुलर ग्लोब ओवर हीयर ठीक है जहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है जेसीबीज है इस की कंपनियां जो हैं, आज भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते ठीक है? इंडिया वॉज द यूनाइटेड किंगडम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यह चीज याद रखिएगा so, okay? ये आंकड़ा निकल कर आया था दो हजार बीस से लेकर इक्कीस का ठीक है यह चीज याद रखिएगा उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूँ तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर अंडर परफॉर्म्ड है ये चीज़ याद रखिएगा उसके बाद ही यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है ठीक है सो देर इज़ अ फिफ्थ एंड सिक्स लार्जेस्ट इन दिस वर्ल्ड ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओके आगे बात करते हैं कि अगर एफ भारत को मिल जाता है या भारत उसका उसके साथ एफ टी हो जाता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है वॉट इज़ अ सिग्निफिकेंट इन दिस एफ टी ए फॉर इंडिया सो सबसे पहली चीज यहां पर यह चीज समझनी है कि बूस्ट एक्सपोर्ट फॉर लार्ज जॉब सेक्टर्स ओके सच एज टेक्सटाइल लेदर गुड्स एंड फूटवेयर आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट देर इज़ ऑल्सो ग्रेट पोटेंशल फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स इन सर्विस सेक्टर लाइक दी आई टी आई टी ई एस नर्सिंग एजुकेशन हेल्थ केयर तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर भी काम काज हो सकता है इस ए क्लियर ओके उसके बाद यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लेम फॉर परमानेंट सीट्स एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड ऑफ विद दी चाइना तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है हमें यहाँ पर मिल सकते हैं सो यू के सपोर्ट एड ग्लोबल इश्यूज़ ये चीज़ याद रखेगा ओके okay. आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में तो यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिला है सो क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म लाइवलीहुड ठीक है तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं तो यहाँ पर गंगा रिवर मैप दिया गया है उसको आप अच्छी तरीके से दोस्तों ऑब्जर्व कीजिएगा ठीक है तो ये है गंगा ठीक है अभी यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एक नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्किंग शिफ्ट इन द ए एम्फेसिस द यूनियन गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप नमामी गंगे प्रोग्राम कंसीव्ड टू इम्प्रूव द स्टेशन लेवल्स इन द गंगा इज नाउ गियर्ड टूअर्ड री कॉन्ज़रवेशन टूरिज़म एंड दी प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड ठीक है तो यहाँ पर जो गंगा देखने को मिल सकता है ये आपको आ, तो उनके किनारे ये पूरी की पूरी जो है चीज़ें बनाने वाले हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर गंगा नमामी गंगे प्रोग्राम ठीक है ये जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट क्लोज़ होगा थर्टी थाउजेंड करोड़ के पास ये चीज़ याद रखेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वेरियस प्रोजेक्ट्स ओके आगे बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में सो नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन ओके ये चीज़ याद रखिएगा सो फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 एंड आफ्टर दैट आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ टू टू ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिज्यूनिवेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा ठीक है ये उनका पर्टिकुलर स्लोगन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अगर मैं बात करूँ सो दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स है या तो रिवर डेवलपमेंट है या गंगा रिजर्वेशन है तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भी कुछ मुहिम चलाई है ठीक है उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एन उसके बाद आता है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप उसके बाद आता है नेशनल गंगा काउंसिल ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को uh, देखने को मिल सकती है ठीक है सो इट हैज ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ फंडेड एंड नॉन लेपेसबल कॉर्प्स कॉर्पस जो है उसके थ्रू और दूसरा 288 एटी एट प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आगे बात करते हैं कि उनके जो मेन पिलर है इस प्रोग्राम के वो क्या क्या है सो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट रिवर सरफेस क्लीनिंग बायोडाइवर्सिटी अफॉरेस्टेशन पब्लिक अवेयरनेस इंडस्ट्रियल इंफ्लुएंट मॉनिटरिंग गंगा ग्राम ये सारे की सारी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये उनके मेन पिलर से इस प्रोग्राम के यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम की बात करूँ तो गंगा दैट इज कोल्ड एज कोल्ड भागीरथी और आर द फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के थ्रू वहाँ से निकलती है और उसके बाद अलकनंदा को ज्वाइन करती है और उसके बाद देवप्रयाग उजी सिंधी उत्तराखंड ठीक है यहाँ पर हरिद्वार अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा ऑल्सो इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन्स ओके सो गंगा इज़ जॉइंट बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज़ फ्रॉम हिमालयाज़ अ फ्यू थेम बिंग मेजर रिवर्स जैसे कि यमुना है गंगो घाघरा है गंडक है कोशी है तो ये सारी की सारी जो है गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है जो गंगा को एक बनाती है ठीक है आगे बात करते हैं कि यहाँ पर पंच आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर बद्रीनाथ ये है केदारनाथ है गंगोत्री और यमुनोत्री यमुनोत्री से यमुना निकलती है आ, यहां पर गंगोत्री से कौन कौन सी दो नदियां निकलती है मुझे बता सकते हैं क्या गंगा नदी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो गंगोत्री है उसके बीच में यहाँ पर जो नदी फिक्स होगी वो देव प्रयाग में तो विष्णु प्रयाग से स्टार्ट करते हैं विष्णु प्रयाग के इज इक्वल टू अलकनंदा रिवर प्लस दी थोली गंगा रिवर ठीक है तो आगे पीछे आप रह सकते हैं उसके बाद आता है अलकनंद हाँ नंदा प्रयाग में आता है अलकनंदा प्रयाग अलकनंदा रिवर प्लस दी नंदाकिनी रिवर इज क्लियर तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को पूछी जा सकती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कर्ण प्रयाग तो उसका आप समझ सकते हैं अलकनंदा रिवर प्लस पिंडार रिवर तो यहाँ पर आप उसके स्पोर्ट्स देखिए ठीक है सो दैट इज़ अवर स्पोर्ट्स अबाउट दी पिंडार रिवर ठीक है अगर मैं यहाँ पर uh, आप समझ सकते हैं कि रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग के अंदर क्या आ सकता है अलकनंदा रिवर प्लस दी मंदाकिनी रिवर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है सो दैट इज दैट्स इट दिस पर्टिकुलर वन आई वांट टू ऑल्सो टेल यू दैट कि यही चीज़ है कि जैसे कि यह है विष्णु प्रयाग uh, नंद प्रयाग करण करना प्रयाग रुद्रप्रयाग देव प्रयाग ठीक है तो ये यह चीज यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझनी है सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलेशन गाइज आई वॉन्ट टू टेल that if you are the new family member of this particular channel, so you can just subscribe this channel. And if you are also preparing for the defense and UPC examination, like the combined defense services, Air Force co management test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group Action, Biot, Army, UPSC Civil Service examination, if you are also preparing for the banking examination, like the IBBS Clerk, IBPS PO, IBBS RRB, SBI Clerk, SBI RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the simple educator. So, what are you waiting for, guys? Just call on 9.

लेक्चर के दौरान तब तक के लिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय जह भारत थैंक यू एंड बाय